हॉल इट्स गुड इवनिंग आज हम uh, बात करेंगे रेजोल्यूशन के बारे में और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में बट कल जो हमने डिस्कशन करी थी ये उसका थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल है और थोड़ा एडवांस लेवल भी है तो आप कल का वीडियो पहले ध्यान से देख लीजिए जिसका टाइटल है रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स और उसको ध्यान से सुन लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें उससे पहले नहीं देखें तो जो रेजोल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है हम वेक्टर को टू डायमेंशनल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के कहने का मतलब है इफ यू हैव दिस वेक्टर या अगर आपका वेक्टर है इसके हम दो हिस्से बना लेते हैं एक एक्स एक्सेस में और एक वाई एक्सेस में राइट right? ये जो परपेंडिकुलर हिस्से हैं राइट right? इनको क्या बोलते हैं ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स हैं और ये हो गया आपका Y कॉम्पोनेंट और ये हो गया आपका X कॉम्पोनेट राइट right? ये परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के तो ये तो होती है इस इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेजोल्यूशन के किसी भी वेक्टर को लें और उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें एक हिस्सा Y वाला और एक हिस्सा एक्स वाला इसका बहुत फायदा होता है यह करने से हमारी वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा बहुत इजी हो जाती है अगर हम एक वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ लें और दो हिस्से परपेंडिकुलर होते हैं यह कॉन्सेप्ट आई होप इट इज क्लियर इन यूर माइंड अब हम बात करते हैं जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है लेकिन कल का वीडियो पहले देख लीजिए और उस एडवांस लेवल में क्या करना है आपको देखिए बहुत सारी क्वेश्चंस जो मैकेनिक्स की हैं मैकेनिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कहाँ पे कंफ्यूजन होती है वही कंफ्यूजन आज मैं आपके दिमाग से हटा दूंगा और uh, हम उसको एडवांस लेवल पे लेते जाएंगे और आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आप उसको रूल बना लें शॉर्टकट्स बना लें और आप उसको इमिजिएटली देख के अपना टाइम सेव कर पाएंगे और बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे इसके अलावा व्हाट वी विल डू वी विल डू सम प्रैक्टिस पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फिर थोड़ी हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कि हमारे दिमाग में वो बैठा है कि नहीं बैठा है आइडिया क्या है कि हम ज्यादा उसका आ, उसको लंबा खींचने की जगह हम उसको शॉर्टकट में न्यूमेरिकल को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते और जो जो कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में होती है वो चली जाएगी आप इसको ध्यान से सुनते रहिए तो आई विल जस्ट पिकअप द बेसिक मैकेनिक्स का मैं एग्जांपल लूंगा फोर्स इज अ वेक्टर दिस कुड बी अ फोर्स ये फोर्स हो सकती थी और फोर्स जो है बेसिकली उसका एग्जाम्पल लेते हैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर तो आई विल स्टार्ट विद द विदिएस्ट एग्जाम्पल जो आपको मालूम होगा ये इजिएस्ट एग्जाम्पल है ये आपका इजिएस्ट एग्जाम्पल हो गया राइट right? इस एग्जाम्पल में एक बॉडी यहां पड़ी हुई है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज थीटा इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन पता होगा आपको इसको बोलते हैं ब्लॉक राइट right? ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है अभी मैं मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूं अभी मैं आपको रेजोल्यूशन सिखा रहा हूं और खासकर इंक्लाइंड प्लेन पे जो रेजोल्यूशन होती है तो आज का टॉपिक क्या है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो वेक्टर का एग्जांपल होता है On an inclined plane. इस टॉपिक का सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो ये वाला रखना है इसके अंदर इस ब्लॉक का मास है एम जी राइट एम जी जो है और देखिए किस तरीका क्या है बेसिकली हमें इस एमजी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है वाई और एक्स कंपोनेंट में लेकिन फर्क क्या है ये ये एग्जांपल में वाई इज अलोंग वाई एंड एक्स इज अलोंग एक्स लेकिन इस एग्जांपल में ये सिचुएशन नहीं है इस एग्जांपल के अंदर दर इज अ चेंज एंड द चेंज इज की आपका जो नया एक्स एक्सिस है वो ये लेना है आपको ओके दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये वाला जो इसके परपेंडिकुलर है जहां नॉर्मल रिएक्शन होता है ये वाई एक्सिस हो गया तो रेजोल्यूशन कैन बी डन लाइक वाई जहां पे नॉर्मल आप ग्राफ पेपर आपने छोटी क्लास में छठी सातवीं आठवीं में देखा होगा ग्राफ पेपर ऐसा होता है राइट right? ये आपका वाई होता है और ये एक्स एक्सिस होता है और आप एक ग्राफ के ऊपर वेक्टर बना लीजिए उसके दो हिस्से बना लीजिए ये वाई और ये x ये दोनों हिस्से आप बना लीजिए लेकिन कई बार ग्राफ पेपर ऐसा नहीं मिलेगा आपको ग्राफ पेपर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया अगर आपने मान लीजिए ग्राफ पेपर आपका तिरछा हो गया पहले ग्राफ पेपर ऐसे था अब ग्राफ पेपर थोड़ा सा हमने टिल्ट कर दिया आपका नया x एक्सेस यहां पे आ गया और नया y एक्सेस यहां पे आ गया राइट right? तो आपने इस ग्राफ पेपर को ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया बाय सर्टन एंगल यही इंक्लाइन में होता है इंक्लाइन के अंदर एक्स एक्सेस ये वाली होती है नॉर्मली अगर आप एक्स एक्सेस लेते तो यू वुड टेकन लाइक दिस राइट ये आपका एक्स एक्सेस होता और ये आपका वाई एक्सेस हो जाता ये नॉर्मल सिचुएशन है बट हम नॉर्मल सिचुएशन की तो बात ही नहीं कर रहे राइट नाउ अवर सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट अवर सिचुएशन इज दैट हमारा जो एक्स एक्सेस है वो थोड़ा टिल्टेड है ये हमारा एक्स एक्सिस टिल्टेड है और वाई एक्सेस जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस है जहां पे आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन होता है तो इस दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन तो देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो वाई एक्सेस पे है उससे हमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन वेट का जो कॉम्पोनेंट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ही नहीं है इट इज नॉट अलोंग एक्स एक्स इट इज नॉट अलॉन्ग वाई एक्सिस अब क्या करें हमें इसको, वेट को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा एक हिस्सा में एक हिस्सा उसका थमरुल याद रख लीजिए एंड दम्बरुल गोज लाइक दिस की आपका जो ये कॉम्पोनेंट होगा हमेशा नॉर्मल सिचुएशन में अभी हम कुछ नहीं कर रहे अगर ये पढ़ा है तो वेट जो है इसको नीचे पुल करेगा उस कॉम्पोनेंट को बोलते हैं एम जी साइन थीटा और जो कंपोनेंट वेट का प्रेस करेगा ब्लॉक को जो कंपोनेंट वेट का जो एक्स वाई एक्सेस के अलोंग होगा उसको आप देखिए क्या लिखेंगे हम एम जी कॉस थीटा, ओके दिस इज अलोंग वाई एक्सिस एंड द कंपोनेंट विच इज ब्रिंगिंग द ब्लॉक डाउन इज एम जी साइन थीटा. राइट right? मैंने इसकी आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई है कि कैसे हो गया आप इसको याद रख लीजिए कि यू हैव द वेट अगर आपका वेट है ये सिनेरियो नंबर है जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में आना चाहिए ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो है अब धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वी विल मेक दिस कॉम्प्लिकेटेड और आपको वो याद रखना है बेसिकली तो ये बहुत ही सिंपल केस है इसके अंदर फ्रिक्शन आ सकता है और फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हम आर सीन रेजोल्यूशन को कैसे इस्तेमाल करना है हमें अलग अलग परिस्थिति के के अंदर, अलग -अलग के अंदर। अलग-अलग सिचुएशन नंबर हमने पढ़ ली, वेट नीचे है लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा सा हिल गया ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये वाला नहीं है ये वाला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वाई और एक्स जैसे नॉर्मल छठी सातवीं में होता था ना ये वाई एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है और इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल में जो भी हम मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन एग्जाम्पल दिस इज एन इनक्लाइंड प्लेन एग्जाम्पल राइट इस इंक्लाइन प्लेन में ये सिचुएशन है सिचुएशन नंबर टू पे जाते हैं बेसिकली देखिए सिचुएशन नंबर टू में न्यूमेरिकल का जो लेवल है थोड़ा सा बड़ा अब आपको दिक्कत आएगी ये तो

थीटा को 30 डिग्री लीजिए माने 90, 60, 30 इसको यूज़ करिए यहां थीटा में, राइट? सो दिस इज क्लियर इन हमें करना है लेट मी रीड्रॉ दिस फिगर एंड व्हाट आई डू दिस टाइम आप ध्यान से देखिए इसके अंदर मैं ये लाइन खींचता हूं ये मेरा ग्राउंड है ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है ये मेरा ब्लॉक है और ये मेरा एम जी है कोई प्रॉब्लम नहीं है एम जी के कॉम्पोनेंट्स तो आपको बड़ी आसानी से आते ही हैं यू कैन ऑलवेज डू एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा तो आपको दिक्कत ही नहीं है ये तो बहुत सिंपल है आपके लिए राइट right? प्रॉब्लम क्या आएगी अगर मैं यहां पे एक फोर्स एड कर देता हूं विच इज वे डिफरेंट ये जैसे एम जी है मैं इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स भी ऊपर से लगा देता हूं राइट लेट मी अप्लाई अ परपेंडिकुलर फोर्स ऑन दिस नाउ द कंफ्यूजन विल कम अब ये भी x x एक्सिस के अलोंग नहीं है दिस इज योर x एक्सिस दिस इज आल्सो नॉट अलोंग योर y एक्सिस राइट अब इसको भी हमें तोड़ना है ये मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स एफ वन है और मैं इस ब्लॉक को नीचे पुश कर रहा हूं राइट right? अब रेजोल्यूशन करनी है हमें इसको दो हिस्सों में बांटना है एक हिस्सा जो है मेरा वो मान लीजिए इट इज लाइक दिस सो वन पार्ट परपेंडिकुलर, द अदर इज पैरल और कल हमने पढ़ा था कि हमें ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए टेल और हेड का इस्तेमाल करना है तो देखिए हेड और हेड आपस में मिलेंगे यहां पे तो ये मेरा वेक्टर है दिस इज माय मेन वेक्टर इसके मैंने दो हिस्से बना दिए ये और ये और ये मेरा एंगल थीटा इसमें आप सीधी सी बात याद रख लिए कि ये वाला जो एंगल होगा ये दिस विल बी थीटा एंगल राइट ये वाला थीटा एंगल यहां पे अपीयर होता है और थीटा के सामने वाला जो होता है वो साइन होता है सो दिस बिकम्स एफ साइन थीटा और ये वाला कॉम्पोनेंट जो पैरल होता है जो इसके साथ है ये वेक्टर के साथ जो हॉरिजॉन्टल वाला काम करता है दिस इज ऑलवेज कॉस ये कल का वीडियो ध्यान से देख लीजिए उसके अंदर आपको X और वाई समझ में आ जाएगा सो द कंपोनेंट जो कंपोनेंट थीटा के सामने होता है वो साइन थीटा होता है जो थीटा के साथ होता है वो होता है कॉस कॉम्पोनेंट राइट ये हमने कल पढ़ा था तो ये मेरा बन गया रेजोल्यूशन देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं क्योंकि उनको रेजोल्यूशन नहीं आती इसकी करनी उस समय उनको ये दिमाग नहीं चलता उनका कि दिस इज साइन और दिस इज साइन इन दोनों में से साइन कौन सा है ये दिमाग में कंफ्यूजन अपने क्लियर कर लें इफ अ वेक्टर इज लाइक दिस जैसे वेट देखिए वेट के अंदर वेट के अंदर साइन थीटा इस तरफ है उसी तरह इससे यहां पे ये जो सीधा फोर्स लग रहा है इसमें भी फोर्स का कॉम्पोन जो इस तरफ है जैसे कि एम जी साइन थीटा वैसे ही एफ साइन थीटा तो इसमें और इसमें सिमिलरिटी को पहचानी है इन दोनों को देखिए सिमिलर है बेसिकली राइट right? और उसी तरह से एम जी का जो अलॉन्ग वाला कॉम्पोडेंट वो तो आपने देख लिया एमजी साइन थीटा परपेंडिकुलर पेंडिकुलर इज एमजी कॉस् थीटा यहां पर भी देखिए कॉस् थीटा का इस्तेमाल हुआ है राइट right? तो अगर आप वर्टिकल फोर्स लगाते हैं इफ यू अप्लाई अ वर्टिकल फोर्स उसका कंपोनेंट मेथड बड़ा सिंपल है कि अलोंग एक्स एक्सिस साइन थीटा लेना है और थीटा लेना ये हो गया आपका सिचुएशन नंबर टू राइट अब मैं आता हूं सिचुएशन नंबर थ्री के ऊपर बेसिकली देखिए सिचुएशन नंबर थ्री के अंदर हम क्या करेंगे लेट्स रीड दिस इंक्लाइन प्लेन अगेन अब मैं इस इंक्लाइन प्लेन को दोबारा से बनाता हूं थोड़ा सा सिमिलर बना लेते हैं यह मेरा इंक्लाइन प्लेन है देखिए दिस इज माय इंक्लाइन प्लेन दिस इज माय ब्लॉक यह ब्लॉक हो गया हमारा अब वेट सो अभी भी वही रहा राइट right? वेट के कंपोनेंट्स एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा ये रहे सिंपल ये अभी हमने सीख लिया था लेकिन अब मैं इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या डाल रहा हूं आई एम गोइंग टू एड अ पुश फोर्स टू दिस इस पर मैं पुश लगा रहा हूं प्रेस कर रहा हूं मैं इसको अब मेरा सवाल यह है कि प्रेस करने पे हाउ विल यू डू द रेजोल्यूशन तो आप देखिए इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपको दोबारा से मालूम है कि यू नो यू हैव दिस इंक्लाइन प्लेन आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन है इसके ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन यू हैव टू स्प्लिट दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स इन टू पार्ट द वन पार्ट ऑफ दिस इज दिस ये वाला पार्ट हो गया मैं दोबारा कल जो हमने वीडियो पढ़ा था उसके अंदर जो हम हेड और टेल का यूज रहा था मैं वही यूज कर रहा हूं अब राइट right? ये एक टेल से हेड और टेल से हेड ये दोनों जुड़ गए एंड हुए दो कंपोनेंट बन गए किसके इसके दो कॉम्पोनेंट बने परपेंडिकुलर ये एक्सएक्स के लॉन्ग बना अपवर्ड जा रहा है ये अपवर्ड जा रहा है तो ऐसी फोर्स लगाने से लाइकली बॉडी ऊपर की तरफ जा सकती है फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे रेजोल्यूशन पे ही फोकस रखते हैं जरा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई आपने दो हिस्से बना लिए उसके ये अब कंफ्यूजन दिमाग में बच्चों के क्या आता है अब इसमें से कौन सा कॉज थीटा है और कौन सा साइन थीटा है इससे कंपेयर कर लीजिए इसके इस केस के अंदर जब फोर्स वर्टिकल थी तो अलोंग द इंक्लाइन द आर रिप्रेजेंटेड बाय साइन थीटा देखिए ये साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन अब अलोंग द इंक्लाइन ये एंगल अभी भी थीटा है अब आप उल्टा कर दीजिए इसको आप बना दीजिए एम एफ सॉरी एफ फोर्स है आपकी दिस इज ये इसको बना दीजिए एफ Along द इंक्लाइन अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो अब उल्टा लीजिए थीटा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन बनाना चाहते हैं तो ले लीजिए आप एफ साइन थीटा राइट right? okay. तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है जब आप रेजोल्यूशन करें तो आपको यही प्रॉब्लम्स आएंगी कि रेजोल्यूशन में आप आपके दिमाग में बैठेगा नहीं हाउ डू आई यू नो कैसे अब आपका टाइम कितना सेव होता है आप देखिए अगर आप वर्टिकल फोर्स देखते हैं वर्टिकल तो आपको उसके दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट है और आपके दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर है कि वर्टिकल के केस में ये वाला कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन साइन होता है हॉरिजॉन्टल के केस में ये वाला कंपोनेंट जो है ये दिस कंपोनेंट इज बेसिकली रिवर्स देखिए ये ये इसमें सॉरी इन द थर्ड सिनेरियो We have to write this This not as sin theta. This is scenario number 3 We have to write this as reverse. So this is mg cos theta, mg sin theta, right? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं शायद मैंने बोला गलत लेकिन लिखा लिखा गलत और बोला सही दिस इज योर हॉरिजोंटल component. दिस इज वर्टिकल राइट दिस इज वर्टिकल दिस इज हॉरिजोंटल फोर्स हॉरिजोंटल फोर्स के दो हिस्से करने इस केस के अंदर वर्टिकल फोर्स के अंदर एक कॉम्पोनेंट जो अलॉन्ग द एक्सेस है एक्स एक्सेस वो साइन है इसमें वो कॉस बना दिया देखिए ये कॉस बना दिया इसके अंदर ये रहा ये वाला कॉम्पोनेंट कौन सा है कॉस दिस इज कॉस कॉम्पोनेंट एंड दिस कॉम्पोनेंट सॉरी दिस वॉज फॉर वेट राइट तो ये बिल्कुल ठीक था दिस इज एम जी साइन थीटा एंड दिस इज एम जी कॉस थीटा ये बिल्कुल ठीक था यहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फोर्सेस को ये मैंने आपको बेसिकली वेट को रिपीट करके दिखाया था व्हेन द वेट इज डाउनवर्ड दिस कंपोनेंट इज स्टिल थीटा थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज ये बिल्कुल सेम है आइडेंटिकल वन एंड दिस डायग्राम इसमें हमने देखा कि वी हैव टू इंटरचेंज साइन थीटा अगर नीचे की तरफ है वर्टिकल फोर्स में हॉरिजॉन्टल फोर्स में वो कॉस थीटा बन जाता है बेसिकली तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें और हम इसके ऊपर अभी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस लॉजिक से बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन के कंक्लूजन निकाल सकते हैं पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं आप उसके बारे में सोचिए और उसको अटेम्प्ट करिए और कल मिलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे तो मैं न्यूमेरिकल आपको दे देता हूं लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं वो न्यूटन लॉ के करने हैं मेरे न्यूटन लॉ के वीडियो सारे पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद आप रेजोल्यूशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्पेशली ये दो कि फोर्स में दो हिस्से जो बनते हैं रेजोल्यूशन के वो क्या बनते हैं और वर्टिकल के केस के अंदर क्या बनते हैं तो ये वाला सिनेरियो बी राइट और सिनेरियो नंबर सी ये सिनेरियो नंबर ए इज वेरी कॉमन बी सी ए की कॉम्बिनेशन से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सिर्फ आपका पर्पस कुछ कंक्लूजन निकालना है और मैं आपको न्यूमेरिकल अभी दिखा देता हूं और आपको कल डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आपने सोचा उसके बारे में पहले आपको न्यूटन्स लॉ आने चाहिए उसके लिए और ऑब्वियसली आपकी जो रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट है वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए तभी आप उसको सोच पाएंगे और देखिए नीट जेई मेन्स टाइम बहुत कम रहता है तो आपको क्विकली सोचने की हैबिट डालनी है और वही मैं चाहता हूं कि आप इसको क्विकली सोचिए और फटाफट आप उसको अगर पकड़ सकते हैं उस न्यूमेरिकल को तो फिर आप रेजोल्यूशन में मार नहीं खाएंगे और बहुत सारी फिजिक्स ट्वेल्थ इलेव स्टैंडर्ड सारी की सारी रेजोल्यूशन के ऊपर जहां पे आप देखेंगे आप फिजिक्स को आसान बना सकते हैं बहुत सारे उसके अंदर इंटीग्रेशन डिफ्रेंसियेशन वेक्टर ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी वीडियोज हैं आप उनको ध्यान से सुनिए आपकी मैथ्स क्लियर होनी चाहिए और देखिए बहुत सारी मैथ्स ही है ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज करा है ट्राइंगल का बहुत यूज कराए टाइम सेव करा है फोर्स देखते ही आप बता सकते हैं कि कैसे किस डायरेक्शन में उनको तोड़ना है उनके कॉम्पोन की डायरेक्शन कैसे लेनी है कल वाले वीडियो से और अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन जो आज का टॉपिक था आप कैसे फोर्स को तोड़ेंगे राइट right? तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल लिख के दे रहा हूं आप उसके बारे में सोचिए और कल उसके बारे में सोचेंगे थैंक यू वेरी मच वेट सो आई टोल्ड यू ओके वेलकम बैक अब न्यूमेरिकल के बारे में देख लीजिए सो यू हैव दिस इंक्लाइन प्लेन ओके इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है फर्स्ट सिचुएशन में वी अप्लाई अ फोर्स ए विच इज अ पुश फोर्स सिचुएशन नंबर बी में हम इसके ऊपर पुल फोर्स लगाते हैं बी सिचुएशन नंबर सी के अंदर हम इसके ऊपर पुश फोर्स लगाते हैं सी और एक और पुल फोर्स लगाते हैं डी ये अलग अलग सिचुएशन है राइट सिचुएशन नंबर ए पहले होती है ए को हटा देते फिर बी को लगाते विच इज अ पुल फोर्स ओके उसके बाद हम सी लगाते हैं इसके ऊपर और उसके बाद हम डी लगाते हैं हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ न्यूटन लॉस वॉट यू हैव टू टेल अपना आंसर आप टाइप कर सकते हैं जहां भी आप देख रहे हैं इसको

ए में ज्यादा है बी में ज्यादा है सी में डी आपको यूज क्या करने हैं? दो कॉन्सेप्ट एक आपको न्यूटन्स के लॉ स्पेशली थर्ड लॉ बहुत क्लियर होना चाहिए एक्शन एंड रिएक्शन है क्योंकि क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए और दूसरा जो आपको क्लियर होना चाहिए वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स टू विच शुड बी क्लियर टू यू राइट आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ये हमने चारों ने लगाई है इकट्ठे फोर्स ये हमने अलग अलग लगाई है पहले ए लगाई हटा दी बी लगाई हटा दी उसके बाद हम रीडिंग ले रहे हैं या हम कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको बताना है किस केस में नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा था कोई भी अजम्पन ले सकते हैं फ्रिक्शन लेस है दिस इज फ्रिक्शन लेस सरफ़ेस। सो so, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया मेरे youtube चैनल पे 2000 वीडियो हैं और मोरलेस सारे क्वेश्चंस जो nta नीट जे मेनस और जे एडवांस में आते हैं बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन या मिलते-जुलते क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हुए और आप अपने मेरे चैनल को देख, देखते वक्त एनसीआरटी अपने साथ में रखिए टॉपिक ढूंढिए एनसीआरटी के अंदर उसे रीड करिए फिर मेरे चैनल पे जाके उसको सर्च करिए आपको उससे मिलता जुलता सवाल या कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सॉल्व मिलेगा आपको क्लैरिटी हो जाएगी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे चैनल से अब आते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम या एनडीए फिजिक्स या नीट या स्टेट बोर्ड या बोर्ड के अंदर आपको मिलेंगे तो डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियो डोंट मिस एनी ऑफ माय न्यूमेरिकल डोंट मिस एनी ऑफ माय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द चैनल और ध्यान से उसको जाइए बहुत थकाने वाला काम है 2000 वीडियो बट ये मेहनत रंग लाएगी अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे हाईली कॉन्सेप्चुअल सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं है उसके अंदर पूरा क्वेश्चन समझाया गया है कि करना कैसे है किस कॉन्सेप्ट से करना है और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए कल मैं इसको आपको दिखाऊंगा जो बच्चे इसको सीरियसली पढ़े वो आप कल जो अगर आपने वीडियो मिस कर दिया उसको पहले ध्यान से सुने फिर इस वीडियो को सुने और आपको न्यूटन लॉ अगर नहीं आता तो मेरी प्ले लिस्ट है न्यूटन्स लॉ की उसको ध्यान से सुनने के बाद ही आप इसे अटेम्प्ट करें कल इसका मैं सोल्यूशन लाऊंगा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ थैंक यू वेरी मच